अरे क्या करती हो, ठीक से खाना भी नहीं बना सकती। हमेशा देखो कभी नमक कम और कभी नमक ज्यादा। सारा दिन खट के आओ और सामने परोसती है ये खाना। करती क्या हो सारा दिन? अरे मुन्ने के पापा कितनी बार कहा है सब कुछ याद से लाया करो, बाजार से घी भी लाने को कहा था, कहाँ है घी? अब मैं खाना किससे पकाऊं? बहुत फैमिलियर वर्ड्स है ना। आज वैलेंटाइंस डे है, सारा दिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ घूमे होंगे, फिरे होंगे, मस्ती की होगी, फूल दिए होंगे। अब रात को डिनर करके थके हारे घर आए होंगे, YouTube खोला होगा। लेकिन क्या एक दिन घूमने फिरने से, एक दिन फूल देने से हमारा प्यार बढ़ जाता है, या हम अपने प्यार को जिता सकते हैं? नहीं दोस्तों, अगर आपको सच्चा प्यार बनाए रखना है तो आपको कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। पहला, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ यानी कि पार्टनर जैसा भी है एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपने जब उसको प्रपोज किया था, आपने जब उससे शादी की थी, वो वही सेम इंसान था जो आज है। आपने उस टाइम उसकी सिर्फ अच्छाइयां देखी थी, बुराइयां आपको नजर नहीं आई थी। अब 3 4 5 साल बाद आपको उसकी बुराइयां भी नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बदल गया है, वो इंसान वैसा ही है। वो कहते हैं ना, प्यार केमिकल लोचा होता है, बुराइयों को देखने ही नहीं देता। इसलिए अगर आप अपने प्यार को बरकरार रखना चाहते हैं तो जैसा भी है पार्टनर उसको एक्सेप्ट कीजिए। नंबर 2, आप अपने पार्टनर को रेस्पेक्ट कीजिए। हम क्या करते हैं, अपने पार्टनर की गलतियां दूसरों के पास उछालने लग जाते हैं, दूसरे को बताने लग जाते हैं ये किया उसने वो किया। दोस्तों, इससे प्यार बढ़ता नहीं, प्यार घटता है। इसलिए अगर आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बैठ के सॉल्यूशन निकालिए, देखिएगा जिंदगी बहुत बेहतर होती जा रही है। नंबर 3, फॉरगिव। अगर आप सच्चा प्यार चाहते हैं तो आपको माफ करने की कला आनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपका पार्टनर जैसा भी है अगर कुछ गलतियां करता है तो बात का बतंगड़ मत बनाइए, उसको माफ कर दीजिए। एंड नंबर 4, रिवर्ट्स। हाँ दोस्तों, अगर उसने कुछ अच्छा किया है, अगर वो आपकी केयर करता है तो बीच बीच में उसको रिवॉर्ड कीजिए। रिवॉर्ड मतलब बड़ी बड़ी चीजें नहीं। मैं ये नहीं कह रही आप उसको एक स्मार्टफोन, एक लैपटॉप, एक गोल्ड चेन, एक डायमंड रिंग ये सब गिफ्ट कीजिए। छोटी छोटी चीजें, वो एक चॉकलेट भी हो सकती है, वो एक क्लिप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो एक शर्ट भी हो सकती है, लेकिन बीच बीच में आप रिवॉर्ड दीजिए, देखिएगा जिंदगी मधुर बनती जा रही है। अगर आप इन सब चीजों के ऊपर गौर करेंगे तो देखिएगा आपका वैलेंटाइन डे एक दिन का नहीं है, 365 डेज का है। हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते सब्सक्राइब फॉलो करते जाइए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों और रिलेटिव्स का भी प्यार गहरा होता जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।